यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस इस वीडियो को स्पॉन्सर किया ऑलम ट्रेड ने। अगर आपको ट्रेडिंग में अर्निंग करनी है तो क्या करना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके जाना है, 300 रुपए डिपॉजिट करना है, उसके बाद ट्रेडिंग स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो और अच्छे पैसे कमाओगे। आप गूगल पैसे की बहुत कोका कोला ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ऑलम ट्रेड पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, अभी जाओ अभी चेक करो। और तो आज हम इस वीडियो करने वाले होने वाले हैं आलम किजमी सर की, सॉरी रिजवी सर की। तो बहुत टाइम हो गया इनकी वीडियो रिएक्ट नहीं किया, लाइक ऑलमोस्ट हमने 10 दिन बाद डाल रहे हैं, बिकॉज मन फ्रांस पे जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर है, ठीक है। इस वीडियो का मतलब मेन वैसे गैरियत हो तो हाँ, मतलब ईमान हो तो एक बंदा ही काफी है अपने धर्म को बचाने के लिए। yes. तो वीडियो करते हैं, लिंक इसी मिल जाएगा सर का ओरिजिनल चैनल का, तो उनको पक्का सब्सक्राइब करें। वैसे तो फकर किसान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी okay. सिपाही की जरब करती है कारे सिपा। वैसे तो अंदर गैरत होवे ना तो फिर ओ एक अब्दुल्ला ही काफी होता चेचनिया का। वैसे इनकी पार्टी का नाम है टीएलपी, कौन इनको वोट करेगा 2024 में इनकी पार्टी को, सॉरी पार्टी का नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला ही काफी होता है, फिर काफी होता है। हां जे एक बंदा जना होवे ना तो इकबाल कहता फिर एक सिपाही जड़ा वो काम कर जाता जड़ा लश्कर भी नहीं करता। ओहो वैसे तो काफी है। और अब तुम क्या चाहते हो, सब कुछ तुम्हें अल्लाह ने दिया हुआ है। जे क्यामत वाले दिन रसूलुल्लाह ने बुला लिया ना कि ना सारे बुलाओ आइटम बम वाले नु, ये सारे नु बुलाओ पहले, एना मिजाइल वाले नु बुलाओ, ए गौरी जना बड़ा उन्होंने बुला लो, अब्दाली भी बुला लो, ते 22 करोड़ नु भी नाल बुला लो जेडे मेरे नाँ दे मिलाद करके ते रोटियां खांदे सन दिहाड़ी राती, हम आशके रसूल है, इन्हां सारे आशकां नु बुलाओ जरा मेरे साथ। मेरे आके जो पूछ लिया सारे को तो मेरे खाके बन दे रहे, तू कितने सी 22 करोड़ फॉलो करते हैं, यदि माफी हो सकती असी कदों दा तुहानू कह रहे हैं अपना सफीर वापस बुलाओ, जे नहीं तो उत्थों दा अमला वापस बुलाओ ते उन्हां दा सफीर इत्थे कड्डो, दूसरी राय नहीं हो सकती। सफीर मतलब जलूस नहीं, नहीं पता नहीं सफीर का मतलब क्या है, नहीं पर वो भी जलूस ही बोल रहा है, जाना चाहिए सी पंजाबी ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਫੀਰ ਮਤਲਬ ਬਤਾਏ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਬਾਬਰਕਤ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਸੂਲullah ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਜ ਗਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਨਾਥਖਾਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਸੂਲullah ਆਏ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਤਬਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਬਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਸਰ ਉਹ ਕਿਸਰਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾਲ ਕਾਬੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਥੀ ਕਿ ਬੈਤੁੱਲਾ ਮੁਜਰੇ ਕੋ ਝੁਕਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਹੈਬਤ ਥੀ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਤ ਥਰ ਥਰ ਆ ਕਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਹੈਬਤ ਥੀ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਤ ਥਰ ਥਰ ਆ ਕਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਥੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਖਮ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਫਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਫਰਾਂਸੀ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਫਰਾਂਸੀ ਸਦਰ। अपने आप नू बदलो,
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਂ, ਲਬੈਕ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਗਿਆ ਲਬੈਕ ਕੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਝੇ ਆਗੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹ ਮਾਨਾ ਹੈ ਲਬੈਕ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਾਫਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਮੰਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗਮੰਡ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इनकी वर्ड्स बहुत है स्ट्रॉन्ग। तो देखो ओवरऑल वीडियो तो मुझे अच्छी लगी, समझ भी आई चीज़ें बहुत मुझे। बट मैं सा एक मैं ये था कि आपकी एडवाइस है लाइक मतलब जैसे कि भड़क मच जाएगा हर बात सुन के, ठीक है, क्योंकि जैसे मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेनी चाहिए, बट उसको अपने दिमाग पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। हाँ, कंट्रोल रखो कि लॉ के, अब देखो अब पहले वाला जमाना तो रानी वो राजा महाराजा वाला, मतलब जो बोल दिया वो कर दो खत्म बात। अब लॉ के साथ चलना पड़ता है, इसीलिए इस फ्रांस में इतनी लड़ाई हुई क्योंकि वहाँ पे मतलब जो टीचर ने पहले बोला फिर लड़के ने उसको मार दिया, उसकी वजह से वहाँ पे ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ठीक है। तो वो लॉ के साथ चलना चाहिए था, लाइक अगर ऐसे उस बच्चे को लड़की जो भी था बच्चा है लड़का, ठीक है, स्कूल का टीचर बच्चा ही था वो, ठीक है, तो उसको बेसिकली करना क्या चाहिए था, जैसे मेरी एडवाइस है कि उसको मतलब लॉ के साथ जाना चाहिए था, ठीक है, या कंप्लेंट कर कंप्लेंट पुलिस में करना चाहिए था, लाइक डेथ इज नो द सोल्यूशन। अगर ऐसे अगर उन्होंने ये राजा चूज किया भी है तो उसकी वजह से मतलब वो चले गए खुद, तो मतलब उनकी डेथ उनकी भी आई थिंक उनको पकड़ लिया। एक टाइम ऐसा पता क्या होता है यार, कॉमेडी इमेज भी खराब होती है। एग्जैक्टली, सीरियसली फिर ये मन में यही आता बंदे का, जैसे कि मान लो हम तो नहीं सोचते वैसे, ठीक है, मोस्टली आपको पता है तो फिर जो भी कोई थर्ड कोई जैसे मैं हिंदू मुस्लिम को छोड़ के और तीसरा बंदा सोचेगा तो ये बोलेगा ये मुस्लिम है ऐसे इसने वहां मारते हैं, इनसे बच के रहो, तो मतलब इतना से रिलीजन का नाम खराब होता है। नेगेटिविटी बहुत, ठीक है, जैसे कि वो जैसे क्या हुआ था जब अमेरिका में वो नहीं था 9/11 जब जहाज गिरा था उस पे बिल्डिंग, उसके बाद कितना मुस्लिम लोगों का स्ट्रगल करना पड़ा था, किया किसी और मतलब किया मतलब किसी एक बंदे ने किया था मुस्लिम ने, पर पूरी कौम का नाम खराब हो गया, सारी कौम ही खराब हो गया ना। एग्जैक्टली, तो वो चीज आई थिंक मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है, एक बंदे की वजह से पूरा प्रोटेस्ट खराब हो जाए इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे, एक बंदे ने खालिस्तान के बारे में कुछ ऐसे बोल दिया तो पूरे फैला दी बात भी खालिस्तान का जैसे बोल रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, लॉ के रह के अंदर अपना और खुशी को खुद भी सेफ रहो। हाँ, वैसे काम करना चाहते हो, मुझे एक चीज पूछनी है कि लाइक जैसे इतने इनके फॉलोअर हैं इनकी जो पार्टी है टीएलपी, उनको वोट मतलब अभी तक प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते फिर ये, अगर इनके इतने फॉलोअर हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, क्या बता आप खड़े होना कोई और नहीं खड़ते ना, देखते हैं, बताओ कमेंट सेक्शन में गाइस भी अभी तक सर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, क्योंकि इनकी पार्टी सरकारी पार्टी थी, तो कमेंट्स में पक्का बताएं कि इनकी पार्टी को कौन वोट करता है लेस से, ये खुद ही खड़े हैं वोटा जी या अपना कोई वॉलंटियर खड़ा नहीं आता, मतलब हाँ खुद ही हाँ चल देखते हैं कमेंट सेक्शन में बता, हम माने जा लोग तन्नू फॉलो कर दे, जे तू मेनू खड़ा दे वोटा जदा मेरी वोट तक कटूगी ऑब्वियसली कटूगी। हां तो गाइस कमेंट्स में पक्का बता लेगा मुझे, वीडियो खत्म करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आई लव यू गाइस, पीस आउट।